नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता फ्रेश 7189 एनम बहनों की नियुक्ति आदेश नोटिस अपडेट के बारे में दोस्तों आप लोग को बताऊंगा। जिला अलाटमेंट लिस्ट, नियुक्ति पत्र, नियुक्ति आदेश नोटिस, इस साइट पर कोर्ट अपडेट है। एनम प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइल विभाग को यूपी ट्रिपल एससी एनम सेकेंड दूसरी प्रतीक्षा सूची। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, संपूर्ण जानकारी आप लोग को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोगों को दोस्तों जिला अलाटमेंट नियुक्ति पत्र, नियुक्ति आदेश किस साइट पर देखने को मिलेगा, वही साइट में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जल्द ही आप लोगों को यह अपडेट देखने को मिलने वाला है। अब आज के डेट में जो मैंने आप लोग से कहा था, जो सुबह के वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि आज जो है भर्ती की दिशा और दशा जो है देखने को आपको मिलेगी, किस मोड़ पर भर्ती जाने वाली है, और मैंने आप लोग से कहा था कि आज जो कुछ होगा फाइनल हो जाएगा, और दोस्तों वही हुआ। आप लोगों के ही पक्ष में फैसला सुनाया गया और जल्द ही आप लोग को कोर्ट की अपडेट और भी मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं जिला अलाटमेंट लिस्ट और नियुक्ति आदेश की। वर्किंग डे जो दोस्तों, मैं स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण स्वास्थ्य विभाग की वर्किंग डे में अगर आप लोग जैसे मेहनत किए हैं, इसे कोर्ट का मैटर जो हुआ है इसको निवारण करने के लिए जो जितना मेहनत आप लोगों ने किया है, अगर आप लोग जो है नियुक्ति पत्र के लिए विभाग के पास जाएं, वहां पर आप लोग अपनी बात को रखें कि सर आप तो सब कुछ क्लियर हो गया है, अब क्या रह गया है बताइए उसमें, तो वहां से कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सूचना मिलेगी। और दोस्तों, जिला अलाटमेंट लिस्ट जो है, अलाटमेंट लिस्ट आपकी बनकर तैयार है, नियुक्ति आदेश भी तैयार है, बस मैंने क्या बोला था आपसे कि शासन की अनुमति, अब शासन की अनुमति बहुत मायने रखती है। जिस दिन शासन से अनुमति मिल जाएगी उसके बाद आपको इस साइट पर नोटिस देखने को मिलेगा। अभी प्रोविजनल वाले अभ्यर्थी परेशान ना हो, उन लोगों को भी बता रहा हूँ। अभी दोस्तों नोटिस अपडेट नहीं हुई है, आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ, यह इस साइट पर आप जाकर जो है नोटिस को चेक कर सकते हैं, dgme.up.gov.in पर, महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, जितनी अपडेट रहती है आपको यहीं से देखने को मिलेगी। इस साइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ स्टाफ नर्स 28 दिसंबर को जो है, ये अपॉइंटमेंट लेटर जो है स्टाफ नर्स का जो कुछ बचे थे उनको मिला है। ऐसे ही इसी साइट पर दोस्तों आप लोग को देखने को मिलेगा, इसी फर्स्ट नंबर पर आपको आएगा, देख लीजिएगा दोस्तों, नोटिस नियुक्ति आदेश का, जैसे स्टाफ नर्स का आया है दोस्तों। आप लोग इस साइट को बार बार चेक कर सकते हैं, वर्किंग डे में आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों मैं आप लोग को अगली अपडेट बता रहा हूँ, जो प्रोविजनल के अभ्यर्थी हैं, परेशान ना हो दोस्तों, अब रास्ता एकदम साफ हो गया है, क्लियर हो गया है। अब आप लोगों की फाइल देखिए दोस्तों, मैं आप लोग से कह रहा था कि 50% प्रोविजनल के अभ्यर्थी ऐसे हैं कि उनकी फाइल बनकर तैयार है, 50% का जो माइनर मिस्टेक है उनको DB के लिए बुलाया जाएगा और एक दिन DB होगी, उसके दूसरे दिन जिला प्रेफरेंस भरा कर जो है उन लोगों को थोड़ा वेट करने के लिए कहा जाएगा और उनको भी जल्द ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जैसे ही यह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह संपन्न होगा उसके बाद आप लोगों की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी। जहां तक है कि फाइल जो है विभाग को भेजने की तैयारी शुरू हो गई है, कुछ फाइलें तैयार हो गई हैं और कुछ अभ्यर्थियों के रह गए हैं, उनको DB बुलाकर एक साथ सभी फाइलें जो है परिवार कल्याण स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएंगी। दोस्तों, जब तक जो है कोई अपडेट अच्छे से नहीं मिल जाती तब तक मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नहीं पहुंचाता हूं। दोस्तों, आप लोगों को नियुक्ति पत्र तो बहुत पहले ही मिल गया होता लेकिन कुछ कारणवश नहीं मिल पाया है, चलिए देर से सही अच्छी बात है। और इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो सेकंड सूची है, कोर्ट की तरफ से यही बताया गया है कि आपके पास पद हैं, सेकंड सूची की बात नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों उससे यही लग रहा है कि जो सीटें बचेंगी, योग्य अभ्यर्थी जो मिलेंगे उनको दूसरी जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें ज़रूर उनका नाम रहेगा, और योग्य रहेंगे तभी दोस्तों, अगर योग्य नहीं पाए जाते हैं तो उनको वो जो पद खाली रहेंगे अगली भर्ती में ऐड करके नई भर्ती निकाली जाएगी।
जब भी नई भर्ती निकलती है दोस्तों, जैसे ही यह भर्ती कंप्लीट होगी नई भर्ती का अध्याचन आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। जितनी यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रही हैं एनम बहनें, वो लोग नई एनम बहनें जो फ्रेश हैं वो लोग एक बार ज़रूर जो है इस बात को ध्यान से सुने, नई भर्ती फिर आपको देखने को मिलेगी, परमानेंट भर्ती। लेकिन दोस्तों अब की बार इतना जिस हिसाब से इस भर्ती में हुआ है ऐसा उस भर्ती में नहीं होगा, उसमें कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि इस भर्ती में दोस्तों बहुत कट ऑफ ना के बराबर रही, सभी को डीवी के लिए बुला लिया गया था। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। बहुत सी एनम बहनें मेरे चैनल से पढ़ाई की हैं, कोविड के दौरान पढ़ाई की हैं दोस्तों, और अच्छे नंबर गेन करके आज परमानेंट भर्ती जो ये आई है 9212 में फाइनल सेलेक्ट हुई हैं, जल्द ही उन लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे ही नियुक्ति आदेश नोटिस जारी होती है मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।